pollute the environment only the amount is large, which can not be degraded into harm the substantial nature at right time. If we are producing only that much biodegradable substance, which is decomposed in right time, then the nature will not get polluted or ecological balance. जो पर्यावरणीय संतुलन है वो बना रहता है. If you produce more waste, then the rate of decomposition, ज्यादा waste हो और rate कम हो, then it cause danger to ecological balance, that it makes ecological imbalance. तब ये क्या करता है, पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर देता है. तो इसलिए थोड़ा waste होना ठीक है, ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल पाइल अप, ढेर होता चला जाए. नाउ द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. नेक्स्ट है द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. Into non-poisonous or harmless substance. Into non-poisonous. यानी उससे अगर कोई चीज निकलेगी तो वो poisonous ही होगी और harmless substance. Though the nature of thing will get altered. अगर आप dustbin में डालोगे तो वही चीज थोड़ी ना रहेगी एक महीने बाद, लेकिन उससे कुछ ऐसी fumes निकलेगी जो जहरीली होगी, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, सो इफ इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू दिस, तो इन नेचर इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इन नेचर इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसे कार्केसेस हुए, ह्यूमन का रिमेंस है या किसी एनिमल का रिमेंस, ये सब बायोडिग्रेडेबल है, इसको बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं. लेकिन जो सिंथेटिक वेस्ट है या इसके अलावा ग्लास है, प्लास्टिक बॉटल्स है, पॉलीथीन है, ये सब किसमें आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. मोस्ट ऑफ द मेडिकल वेस्ट आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल है, ये सभी चीजें हैं, ऑक्सीजन बॉटल है, या और भी जो भी चीजें हैं कि दैट इज सर रबर, रबर भी अगर नेचुरल नहीं है तो उस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, तो देयर आर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इस तरीके से जो भी हैं, या वीडिसाइड्स, वीड्स जानते हो, जमीन में जो झाड़ झंखाड़ उगाती है, अनवांटेड प्लांट्स, ऐसा होता है कि नहीं, तो दैट उसको रिमूव करने के लिए भी एक स्प्रे करते हैं, तो उसको वीडिसाइड्स होते हैं. तो ऑल काइंड्स ऑफ पेस्ट को हटाने के लिए, तो पेस्टिसाइड, साइड का क्या मतलब होता है, किलर, और पेस्ट का मतलब तो जानते हो, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को मार दे, और पेस्ट का मतलब है चूहे और इन सब को आगे आ जाए कुछ ज्यादा. तो एंड वीडिसाइड, ये सारी चीजें. सो दीज आर, इसके अलावा क्या हो गया, मेडिकल वेस्ट, उससे भी हार्मफुल फ्यूम्स निकलती हैं, कोई ठीक चीज तो निकलेगी नहीं, है ना, कंटामिनेटेड होता है. और इसके अलावा ही प्लास्टिक्स, ग्लास बॉटल, ओके, इसके अलावा जो बॉल पॉइंट पेन की रिफिल होगी, सिंथेटिक फाइबर, मेटल आर्टिकल्स, जो एल्यूमिनियम कैंस होंगे, ये सारी भी चीजें डिकम्पोज नहीं होती, मेटल वेस्ट कह सकते हो, सिल्वर फॉइल, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये भी चिंता का विषय है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये हम लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर प्रभाव डालता है, और फिर लोग क्या करते हैं, नॉन बिहेवियर हो जाते हैं, फिर वो बच्चे नहीं पैदा करता. ये बीएआरसी में देखने में आया है कि 30% ऑफ द कपल्स दे आर नॉन बिहेवियर, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनके ऊपर रेडिएशन के असर पड़ते होंगे. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ये प्रोमिनेंट प्रॉब्लम. तो रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया,
सिल्वर फॉइल, मेटल आर्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन नायलॉन जानते हो, सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड फाइबर है, नायलॉन इस तरीके से. सो दीज आर अगेन कॉल्ड. और इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है जो प्लांट फार्मर्स फार्म्स में छिड़काव किया जाता है. डीडीटी को फुल फॉर्म क्या है? तो डीडीटी दैट इज डाइक्लोरो डाई इथाइल ट्राइक्लोरो ट्राई ट्राई फिनाइल. अब जरा देखो इसको हम बताते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल. क्या है सर इसका फॉर्मूला? अभी बता रहे हैं, डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो फिर बेंजीन डाई क्लोरो. अब ये देखो कुछ चीजें आप देख लोगे तो पता चल जाएगी. जैसे ये चीज आप जानते हो, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ी थी कि ये क्या होता है. तो देखने देखो ये भी तो बाद में लेना. वैसे बताओ बताओ CH साइक्लो भैया इसका नाम बताओ. सर बेंजीन है ना, बेंजीन C6H6 है. तो C6H6 है, ये बेंजीन है. अच्छा अगर एक H निकाल दो तो क्या कहलाए इसका? अगर सिंबल बनाना चाहो तो इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ ऐसे. ये बेंजीन यही चीज है ठीक. लेकिन एक एच निकल जाए, जैसे कभी कहते हैं मीथेन है, एक एच निकल जाए तो क्या होता है? मिथाइल. और इसमें से एक निकल जाए एच तो फिर क्या होगा? दैट इज C6H5 हो जाएगा, बेंजोमिथाइल. ये सही कहते हैं. आफ्टर रिमूवल ऑफ वन एच, एक एच निकल जाए तो फिर ये किसी से जुड़ सकता है ना. एक फूल निकाल लो कहीं की तो माला में जोड़ लो आई फिर. तो इस तरीके से इसे कहते हैं फिनाइल. जैसे उसको बेंजीन को फिनाइल, मीथेन को मिथाइल कहते हैं, तो ये क्या बन गया बताओ? फिनाइल हो गया. अच्छा ट्राई क्लोरो है क्या? अब इथेन है, इथेन को ये कहते हो क्या? इथेन ही हो गया. और अब देखिए डाई क्लोरो, तो इसमें क्या चीज होगी कि एक तो ये फिनाइल है ये, और इसमें क्लोरीन है, इसके बाद एक यहां भी फिनाइल है और इसमें भी एक क्लोरीन है. तो डाई क्लोरो, देखो दो क्लोरो है कि नहीं, डाई क्लोरो डाई फिनाइल है बात. अब फिर इसमें क्या कर दो? ट्राई क्लोरो. अब मेन चेन क्या इथेन की है, हाइड्रोजन से बाकी को भर दो. बोलो बात समझे, फिर से बता दें, डाई क्लोरो डाई फिनाइल, दो फिनाइल में दो क्लोरो लगे हुए हैं कि नहीं? डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन है. मेन पेरेंट चेन किसकी है? इथेन की. इससे याद रहे ये जो चीज है इसका काम क्या है? ये हम लोगों ने अपने खेतों में डाली इंसेक्ट्स को मारने के लिए, बट विद वॉटर इट रन्स ऑफ टू वॉटर बॉडीज. ये चली जाती है रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, ना रन्स ऑफ हो जाएगी धीरे धीरे. तो अदरवाइज इट परकोलेट्स इनसाइड एट अदर देन थ्रू प्लांट्स विद इट्स सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट इट इज एब्जॉर्ब. प्लांट में चली जाएगी, कीड़ों को तो मारेगी, अब वही प्लांट हम खाएंगे तो क्या हमारे अंदर रहेगी? अच्छा इसके डिकम्पोजिशन में 60 साल लगता है. तो अब अगर हमने 10 साल की उम्र में खाया तो 70 साल के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगी. तब तक हमारे पास जिंदगी कैसे नहीं, हम लोग लगातार खाते रहे तो ये जो हमारी बॉडी में अनडिकम्पोज रहती है. या यही चीज पानी में चली जाए तो क्या मछलियां खाएंगे? वही पानी पीती रहेंगी तो मछलियों को चीजें खाएंगी. ये ठीक है, उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाएंगी बात की नहीं. सो फिर लार्जर मछली है तो वो जो बड़ी मछली तो एक दिन में तो 10 मछली खा जाएगी और उसके अंदर वो इकट्ठा होता जाएगा, तो क्या उसमें ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाएगा?
और अगर हम रोज एक मछली बंगाली खाते हैं तो फिर हमारे अंदर कितना सारा डीडीटी हो जाएगा। तो इस तरीके से डीडीटी हमारे अंदर नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से व्हेन वी गो हायर इन फूड चेन देन देयर इज ये जो हार्मफुल कंपाउंड है जिसको कि हम क्या कह रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। कहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल किस श्रेणी में आ रहा है सर, हम क्या पढ़ रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो इट कीप ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से डीडीटी हमारे अंदर कैंसर, मेनली डीडीटी क्या होता है कि हमारे अंदर जो ग्रोथ ऑफ सेल्स है उसी को ही गड़बड़ कर देता है, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है। तो कहीं गले का कैंसर हो रहा है, कहीं अल्सर हो रहा है, पेट का कैंसर हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, तो ये डीडीटी का काम है। ठीक है कि नहीं। अब देखिए तो ये सारा वेस्ट होता है, इट हैज बैंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। सो ये जो चीज है इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसके बारे में लिखो डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हूज परसेंटेज इंक्रीजेस एज वी गो अप इन फूड चेन। तो ये चीज है इट इज हार्मफुल, ठीक है, और इट डज नॉट डिकम्पोज इन बॉडी। बॉडी डिकम्पोज नहीं होता बॉडी में, एंड सो इट इज बैंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। इट इज बैंड कभी कभी ये लार्जेस्ट यूज होता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इतना मलेरिया हुआ, इतने मच्छर थे, लोगों की लाशें पड़ी रही हफ्तों महीनों, कोई उठाने वाला नहीं था, मलेरिया फैल गया। तो मलेरिया फैलने के बाद क्या हुआ कि डीडीटी का यूज किया गया मच्छरों को मारने के लिए। पर इसके लिए शायद नोबेल प्राइज भी मिला था। हाँ, तो बट इसके आफ्टर इफेक्ट्स होने लगते हैं। इट इज बैंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ये चीज हो गई। अब जरा देखिए लेकिन हमारे यहां अभी भी यूज होता है, क्योंकि जब दूसरे जगहों पे बैन हुआ तो फिर ये सस्ता पड़ गया है इंडिया इंडिया से। ठीक है, नाउ इन दिस केस व्हाई सम मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाई सम मटेरियल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। यस बताओ ऐसा क्यों होता है सर? सर क्योंकि कुछ प्लास्टिक के कुछ हो सकता है इजीली डिफरेंट जाते हैं, कुछ हो सकता है इजीली डीकंपोज, और कुछ नहीं हो सकता डीकंपोज, वही मैं बोलो। ईशान सर क्वेश्चन में Why some materials are biodegradable and why some wastes are non-biodegradable? So some materials are biodegradable because when they break down, they do not leave harmful or harmful products, but non-biodegradable waste leave harmful. ये ठीक है, इसी को लेकर जैसा इन्होंने बताया why some सर फिर कोई भी biodegradable substance harmful material नहीं करता, मतलब are biodegradable। ये ठीक कह रहे हैं, सम मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉट, सम आर नॉन, ठीक है। सो सम कन्वेंशनल वे जैसा कि ईशान ने बताया उससे पहले लिखे हैं, सम कन्वेंशनल वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील, पेपर, ठीक है, फॉर दिस बैक्टीरिया नो हाउ टू ब्रेक डाउन देम एंड एक्सट्रैक्ट एनर्जी। उनके बारे में मालूम है इसे कहां से तोड़ना, ये चक्रव्यूह है, इसे ऐसे ऐसे तोड़ेंगे और इससे एनर्जी निकाल लेंगे, और तुम उन्हें रोज नया चक्रव्यूह बना के दोगे तो डरेंगे, पता नहीं मिले कि ना मिले, आधी महीना था उसका, समझ में आई बात कि नहीं। सो इसमें क्या करते हैं, फॉर
बैक्टीरिया नो हाउ टू ब्रेक डाउन दैट बैक्टीरिया इज फुली कन्वर्सेंट टू ब्रेक डाउन उसे मालूम है कैसे तोड़ना है कैसी एनर्जी पानी है हाउ टू ब्रेक डाउन हाउ टू ब्रेक डाउन दीज मटीरियल्स एंड एक्सट्रैक्ट एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल some newly synthetic जो synthetic material होंगे आर ठीक है non familiar to bacteria ठीक है hence they remain loitered in our surrounding जब वो non familiar है so they will not break it down उसे तो तोड़ेंगे नहीं and they will not break down it and these substance remain loitered in surrounding. They get degraded due to solar heat. जो solar heat होती है उनसे degrade होंगे तो हो जाएंगे और उसकी वजह से they produce bad fumes या poisonous fumes. These may get degraded due to acidic atmosphere से हो सकता है क्योंकि कूड़ा तो सब तरीके का होता ना acidic atmosphere and temperature से but partially होगा and produce harmful fumes इस तरीके से ये ऐसा करते हैं Now, ये तो बात हो गई कि बायोडिग्रेडेबल ये पहला सब्सटेंस है कोई इंटरेस्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पढ़ो अपनी बुक में पेज कौन सा 57 फर्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं अब देखो गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट अवर एनवायरनमेंट एंड गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट अवर एनवायरनमेंट दो और क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी टेस्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी अब अल्टरनेट डे में करेंगे और फिर मैथ्स का कौन सा करेंगे बाकी सैंपल पेपर करेंगे हम लोग सर वो जो पीडीएफ निकाली थी उसके क्वेश्चन हां जो भी हमने नोट्स दिए ना उसी बुकलेट पे ही करेंगे सारे और भी कोई आपके पास बुकलेट कभी आती है स्कूल समय की तो हमें सर ये बोल रहे हैं जो भी आपके पास आए हमको भेज दे कोई अच्छी भी आए कोई फिर से आ जाए जो हमने दे दी उसमें भी फिर से आ जाए तो भी दे नाउ नेक्स्ट इज की
give any two ways in which biodegradable substance would affect the environment. Second question, the rotting biodegradable substance. रॉटिंग का मतलब सड़ना, बायो डिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है, एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड, उनमें क्या होता है, एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड कॉकरोच. So they spread various diseases. They act as vectors for spreading जो contagious disease होती है, ठीक है, तो उनको फैलाते हैं. So, rotting, इसके अलावा क्या होता है, ड्यूरिंग डिग्रेडेशन, ये क्या करते हैं, फाउल स्मेल, प्रोड्यूस फाउल स्मेल, और इफ दे रन ऑफ टू नियर बाई वाटर रिसोर्स देम they contaminate water, ठीक है, if these run off to nearby water body then contaminate it. और चौथी चीज है दे स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ लैंड, कहीं पर भी ऐसे कूड़ा इधर उधर फेंक दो, ठीक है, तो कहीं पर भी अगर ऐसे ट्रेन में ही मूंगफली का छिलका खा कहते ये तो बोले का ये तो बायोडिग्रेडेबल है, चिंता करते तो अच्छा लगेगा, ठीक है. तो नाउ दैट्स नेक्स्ट इज गिव एनी टू वेज इन विच नॉन, अगर मान लो बायोडिग्रेडेबल की बात की तो फिर इतने शौचालय बनाने की जरूरत ही क्या है. गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट. सो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी एनवायरमेंट को प्रोड्यूस करते हैं. सो सम नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक डीडीटी एंड हैवी मेटल, डीडीटी हैवी मेटल, मर्करी लाइक एचजी आर्सेनिक, इस तरीके के मेटल है, ये अगर पानी में चले जाएंगे तो आपको क्या है कि व्हाइट पैचेस हो जाएंगे बॉडी में, कई तरीके की बीमारियां हो जाएंगी, कैंसर हो जाएंगे, ऐसा होता है, कहीं का पानी भी चला हो जाता है, तो ये अगर कहीं पे पहुंच जाते हैं देन एंटर इन फूड चेन आइदर थ्रू फूड और वाटर. अगर मान लो पानी में चले गए, वो पानी हमने पिया तो भी हमारे अंदर चले जाएंगे. अब कभी कभी प्लांट्स हैं तो प्लांट्स क्या है कि इन सबको सीपेज कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं, तो ऑस्मोसिस के थ्रू पास हो जाते हैं. मर्करी कैसा है, मर्करी, मर्करी तो ऐसा होता है कि अगर मर्करी के ये ट्रेसेस भी आपके अंदर चले जाएंगे तो 3 महीने में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी मौत भी हो चुकी है. अगर हम हाथ में आपके दे देते हैं लेकिन इट इज एट योर ओन रिस्क, हमें क्या करना है, वो फिसलता है, लेकिन अगर इंटेंशनली आप उसमें से एक भी ड्रॉपलेट चला गया अंदर, सर अनइंटेंशनली है तो अनइंटेंशनली जाएगा तब कुछ नहीं होगा, लेकिन इंटेंशनली
बहुत समझ आया ना, तो ये आपकी बॉडी में ये ब्रेन डेड कर देगा। ऐसा मरकरी के साथ ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। इवन अगर मैं बहुत ध्यान से उसकी बोतल बंद करता हूँ, क्योंकि ये वेपराइज भी होता है मरकरी के ऊपर, जैसे ये रखें तो उसको ढक के फिर बहुत डिब्बा लगा के, कि किसी भी तरीके से उसके वेपर इतनी जल्दी वेपराइज नहीं होता है, क्योंकि हैवी भी है उनके मॉलिक्यूल्स, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सिक्योरिटी जैसे यूट्यूब में कही गई है वो रखते हैं। तो समझ में आ गई बात, डीडीटी एंड हैवी मेटल्स ये सारी चीज इंटर इन फूड चेन, तो ये फूड चेन में इंटर कर जाएंगे तो क्या होगा, देन दे विल डैमेज, तो ये क्या होगा, द हेल्थ इन लॉन्ग रन, देन दे will damage, decompose नहीं होते हैं, health in long run। कई कई ऐसी बार आती है ना कि जो पपीते आप कुछ भी आप सब्जी खाती काफी कड़वी होती हैं, ऐसा होता है, वो जरूर इंजेक्शन से बनी है, तो ऐसी स्थिति में उनसे बचना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने देखा इतने चमकदार एप्पल थे, आधा किलो ला कर रख दिया, दिल्ली की बात है, बहुत ही शाइनिंग थे सबसे अलग, फिर हम लोग छुट्टी चले गए, वो मीरा के ऊपर रखा रह गया, फिर जब दो महीने बाद आए तो देखिए वो कैसे चमक रहा है, तो खराब ही नहीं हुए, लगता महंगे खरीदे थे, और ये तो खराब नहीं हुए, ये खा लेना चाहिए बाए। और फिर हम लोगों ने जो आधा आधा खाया तो टेस्ट चेंज था, लेकिन ऐसे बीमार पड़े कि तीनों लोग, बच्चा भी बीमार, हम दोनों भी बीमार। तब फिर हम लोगों ने कहा कि ये जो औने बौने पौने सेब खरीदो, तो सबसे सस्ता सेब दिखे ना ठीक उसी को खरीदो, वो देसी सेब है, वो बिना इंजेक्शन के पैदा हुआ, और जो जितने सुंदर है वही खतरनाक, वो ही नुकसान करेंगे। रियल लाइफ में दिल्ली में तो बड़ा डेंजर, वहाँ सब ऐसे ही है, तो क्योंकि वहाँ दिल्ली में क्या है कि बहुत सारे ऐसे गंदी गंदी जगह है, ऐसे बॉम्बे में भी नाला सोपारा है, उसी में वो लोग सब्जी उगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसी में ही है, दिल्ली में भी ड्रेनेज में सब्जी उगाते हैं वो लोग, ऐसे नहीं है कि कोई बहुत अच्छी जगह में, अब वो बेचते हैं तो वो नुकसान करेगी, क्योंकि उसका तो सब कुछ उसमें चला जाएगा, तो ये भी चीज है, तो ये हेल्थ को प्रॉब्लम करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स, ये क्या करता है, ये हमारे लैंड को बैरन कर देता है, बिकॉज जो भी फर्टिलाइजर्स हैं आइदर दे आर एसिडिक और बेसिक, और हम फर्टिलाइजर यूज करते रहे तो हमारी जमीन एसिडिक या बेसिक हो जाएगी, और एसिडिक या बेसिक हो जाएगी तो क्या उसके जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ वॉर्म से क्या भी मर नहीं जाएंगे या उसके अंदर, क्योंकि वो उसकी अपनी रिटेंटिविटी है, अर्थवॉर्म तो उसका टेक्सचर मेंटेन करता है, तो फिर वो जो जमीन है वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं रह जाएगी, फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगी हम पर, हमने दो दिन पानी नहीं दिया सब खराब है, नहीं तो अर्थवॉर्म तो उसे मॉइस्ट रखेगा, तो उससे क्या होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स, तो उससे क्या होता है कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सबस्ट्रेटम, जमीन के अंदर जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम, दे गेट किल्ड, वो मर जाएंगे, and in this case that is more susceptible to get non-viable, वो जमीन बैरन हो जाए, infertile हो जाए, so excessive use of non-biodegradable fertilizers, लैंड इनफर्टाइल एज दे आर आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर, एज दीज आर आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तीसरी चीज क्या है कि प्लास्टिक ग्लास एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स ये क्या करते हैं, ये बात सही है, प्लास्टिक ग्लास एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स ये स्पॉइल द
जो कहीं की ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप है ना, इफ रिमेन लॉइटर्ड सो देन स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप एंड कॉज आई सो, आंखों में दर्द भी होता है। तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट आपके आगे चलते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। लेट अस सी व्हाट इज इकोसिस्टम। फिर कम्युनिटी क्या होती है, फिर बायोस्फीयर क्या होता है। सर इन सभी ने कैसे लिखा हुआ है? नहीं, जैसे एक बार पूछ रहे हैं आपसे, पता ही चल जाएगा, सब बच्चों को भी पता चल जाएगा। सर इससे पूछ लो, आप ही यहाँ पर हमें विद्वान देख रहे हैं। तो अगला पॉइंट हमारा था इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कुछ आइडिया है इकोसिस्टम Now see, जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम से मॉलिक्यूल बना और मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल बने, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बने क्या? और फिर उनसे बन गया सेल। मैक्रो मॉलिक्यूल में कौन कौन से हो रहे हैं? द प्रोटीन, फैट, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, क्या? ठीक है, और एक और कौन सी चीज बन गई? कार्बोहाइड्रेट। इन सब से मिलकर सेल बना। सेल से मिलकर क्या बना? टिश्यू। टिश्यू एक टाइप का सेल। टिश्यू से क्या मिलकर बना? ऑर्गन से मिलकर क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे हमारी बॉडी में कई है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब सिस्टम से मिलकर क्या बना? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्म। अच्छा, एक तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ पॉपुलेशन, ऑफ वन काइंड ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, उसके बाद क्या बनती है? कम्युनिटी। जैसे डॉग, कैट, ह्यूमन सब मिलजुल के रहते हैं कि नहीं? हम लोग ये डॉग, कैट, ह्यूमन, इकोसिस्टम हो जाएगा। बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट कंफाइंड
within in a confined boundary which is totally independent from its surrounding, जो अपने आप सेल्फ सस्टेन हो, जैसे पॉन्ड है तो उसमें प्लांट भी आएगा, पानी भी आएगा, जो भी चीजें उसमें साल्ट्स इन्वॉल्व में सब कुछ आएगा, उसके अंदर की सॉइल भी आएगी, लेकिन वो अपने आप चलता रहेगा। इकोसिस्टम क्या होता है? सेल्फ सस्टेन होता है। यह क्या होता है? ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से रुक सकता है, तो उसको कहते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे आपके घर में एक्वेरियम है या गार्डन है, ना देख रेख करो तो वो वैसा नहीं रह जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं पॉन्ड एक लेक है, नेचुरल इकोसिस्टम है, रिवर एक नेचुरल इकोसिस्टम। तो जो बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होंगे और ये छोटी जगह होगी, तो इकोसिस्टम, तो बायोटिक एंड एबायोटिक। क्या ओशन है? अब जैसे इकोसिस्टम है वो लार्ज इकोसिस्टम है और कुछ छोटे होते हैं, और बायोस्फीयर क्या होता है? तो सारे इकोसिस्टम को मिला के, ये ठीक कह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा बायोस्फीयर का मतलब है कि लिथोस्फीयर 1 मीटर तक, जिसके अंदर जानवर भी रहते हैं, उतनी बेल्ट लेना जमीन की। लिथोस, लिथोस का मतलब पत्थर, इसको पत्थर कहते हैं, ये लिथोस्फीयर है ना। लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वहीं तक जाना जहां जीव जंतु रहते हैं, जहां पक्षी रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं। और हाइड्रोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर पूरा ले लेना। तो लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है, विच हैज एनी काइंड ऑफ लिविंग एनिमल्स, ठीक है, सो जो भी हो या लिविंग लाइफ हो, तो दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। पूरी अर्थ में एक ही बायोस्फीयर है। इकोसिस्टम बहुत हो सकते हैं, लेकिन बायोस्फीयर के समझ में आ गई बात कि बायोस्फीयर क्या, ठीक है कि नहीं? अभी अगर पूछेगा तो मैं बायोस्फीयर बता दूंगा इसमें, लेकिन यही बात है। अब देखो ना, इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। जब ये प्रांजल खड़ा होगा ना यहाँ स्टेज पे, जिस दिन प्रमोशन पार्टी होगी, कहेगा मेरी सफलता का श्रेय ईशान को जाता है, मुझे सब बताता रहता था, सब मुझे आ गया। फिर ईशान अपना कोचिंग सेंटर खोल लेगा तारे जमीन मैं तारों को जमीन पे ला देता हूँ, आओ हमारी कोचिंग। तो इसमें दोनों मतलब है, तारे जमीन पे भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो पहले ही लिखा था इसमें तारे जमीन पे आ जाते हैं। नाउ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स सेल्फ कंटेन, और उसमें कुछ भी आ सकता है। जो लिविंग थिंग्स है उसमें 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को अलग रखा गया, प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स में कौन 3 किंगडम आएंगे ईशान? सर डिकम्पोजर्स में, हाँ ठीक बताया आपने, पहले मोनेरा, अच्छा, फिर
फंगी, क्योंकि सड़ी लकड़ियों पर फंगस उगाती है कि नहीं, मशरूम नहीं उगाते हैं। पांच किंगडम है, प्लांटे एनिमली अलग हो गया, इन तीनों को एक साथ कोई चीजों को डिकम्पोज करते हैं, सड़ी गली चीजें खाते हैं, ठीक है कि नहीं। फाइव किंगडम सिस्टम होता है। तो मोनेरा का बैक्टीरिया होता है, और प्रोटिस्टा क्या होता है, अमीबा, और पैरामीशियम हाइड्रा क्लेमाइडोमोनास जुबलीना फंगस तो जानते ही, ब्रेड माउल मशरूम ये सारी। तो इस तरीके से इकोसिस्टम इज सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट। उससे क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होता है। आप छड़ी घुमा सकते हैं लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि दूसरों को चोट लग जाए, क्योंकि भाई हमारा तो लोकतांत्रिक अधिकार है। सो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट सॉइल, एयर एंड वाटर। इकोसिस्टम के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ग्रासलैंड, कोई बहुत बड़ा मेड्यू हो सकता है, ठीक है, मीडो कहते हैं आपको, इसके अलावा फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट बड़े रीजन में हो सकता है, माउंटेन एंड पॉन्ड लेक, ये सारे जो भी होंगे ये नेचुरल इकोसिस्टम है। रिवर सी, जैसा कि अभी किसी ने पूछा भी था, रिवर सी, ये सारे इकोसिस्टम है, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल, इकोसिस्टम में भी सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम विच आर फ्री फ्रॉम इंटर ह्यूमन इंटरवेंशन, और सम अदर इकोसिस्टम्स आर मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो लेट अस सब डिवाइड इकोसिस्टम, नाउ That is natural ecosystem में कौन कौन से आएंगे। अच्छा, natural ecosystem में कौन कौन से दो हैं रजत सर, aquatic और terrestrial, जैसे इसमें desert हो गया और इसमें क्या हो गया, lake हो गई, और दूसरा क्या है, artificial, हाँ मैन मेड या आर्टिफिशियल। एक्वेरियम, हाँ ये फिश एक्वेरियम हो गया, और सर गार्डन, हाँ फार्म हाउस भी हो सकता है, इस तरीके से इवन जू भी एक तरीके का इकोसिस्टम है, हम सबको फीड करते हैं अपनी तरीके से। बोटानिकल गार्डन हो सकता है, किसी भी तरीके का गार्डन हो सकता है। नाउ नेचुरल इकोसिस्टम्स आर सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही खुद डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो बायोटिक एंड एबायोटिक है वो इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। सो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर ओनली फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, दे टेक सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन, रेन, दो चीजें हमें चाहिए, सनलाइट चाहिए और बारिश, दो चीज मिलती रहे काम बनता रहेगा, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए नेचुरल इकोसिस्टम आर
सेल्फ सस्टेन इकोसिस्टम वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इस इकोसिस्टम. कौन से दो कंपोनेंट है नेचुरल इकोसिस्टम? बोलो पुणे दो बोले यश. टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक यही है जैसा इन्होंने बताया कि बायोटिक एंड एबायोटिक. इस तरीके से नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ सस्टेन बोथ कंपोनेंट्स आर कौन कौन से? बायोटिक एंड एबायोटिक. ठीक है, जिनमें जान हो जिनमें जान ना हो, जड़ चेतन. इस तरीके से तो बायोटिक एंड एबायोटिक आर इंटरडिपेंडेंट. ऑन ईच अदर ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, दे नीड ओनली सनलाइट एज एक्सटर्नल सोर्स और उन्हें कुछ नहीं चाहिए. एंड रेडी ना. दे नीड नीड सनलाइट एंड रेन एज एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, ये नेचुरल इकोसिस्टम है. इट इज फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन. ये हमारे हस्तक्षेप से मुक्त होता है. दीज आर फ्री फ्रॉम. एंड ऐसा नहीं कि थोड़े हस्तक्षेप से, फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर लॉन्ग टाइम रहेगा हस्तक्षेप से मुक्त, देन देयर विल बी बायोडाइवर्सिटी ऑफ इट्स ओन. इसकी अपनी बायोडाइवर्सिटी होगी, वहां उसी तरीके का फौना पैदा होगा. मतलब वहां वैसे ही जानवर पैदा होंगे. जैसे प्लांट्स होते हैं वैसे जानवर होते हैं, मालूम है कि नहीं? अलग अलग तरीके का फ्लोरा एंड फौना, जैसे आप लोगों ने नाइन्थ में ज्योग्राफी में पढ़ा है कि वाइल्ड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो अलग अलग जगह के अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग की वनस्पतियां. सो दीज आर फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन. जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आर मैन मेड इकोसिस्टम. किसकी अस्मित ज्यादा अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की कि मैं नेचुरल वाले? नेचुरल, क्योंकि वहां तो हम सेलेक्टिव आलू गोभी प्याज उगा देंगे, अब वहां तो सब कुछ पाया जाएगा. सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर मैन मेड इकोसिस्टम. दे कैन नॉट सस्टेन देमसेल्फ. ठीक है, विदाउट केयर. उन्हें ह्यूमन केयर इज नीडेड टू सस्टेन देम. केयर इज नीडेड टू सस्टेन देम. क्या इन्हें बाहर से भी कुछ चीजें चाहिए ईशान, कि सिर्फ धूप और पानी? सर नेचुरल को तो सिर्फ इतना ही चाहिए. नहीं, इसको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर भी चाहिए सर, डीकंपोज़ और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं. तो इस तरीके से अब ये जो भी है, इतनी बात हो गई. इकोसिस्टम दो तरीके के हैं. क्या ये टाइप्स हैं? बोलो. यहाँ तक की बात समझ ली? अब देखो, अब हम देखेंगे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो पहला है एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक soil, air and water are known as abiotic components. So इसमें कई चीजें आ जाएंगी, जैसे inorganic substances भी आ जाएंगे. ठीक है, it includes
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएगा, वैसे सॉइल में ये सारी चीजें होती हैं, तो CO2 भी रहेगा, CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एयर में होगी, वाटर, फॉस्फोरस नहीं है तो देना पड़ेगा, जहां जैसी चीजें होंगी उसके हिसाब से चीज होगी। सल्फर ज्यादा होगा तो वहां क्या उगेगा सर? सल्फर, ये बात सही कह, अच्छी बात कही है कि सल्फर ज्यादा होगी तो गार्लिक और ओनियन उगेगा, जिंक ज्यादा होगी तो क्या उगेगा? ये ठीक कह रहा है, मिर्च, जिसके अंदर जिंक की कमी है, ठीक है कि नहीं? हाँ, मिर्च खाते हैं वो लोग, तो ये कहते नहीं कि बॉडी में जिंक कलेक्ट करवाते हैं ये सब जो हीरोइने हैं, तो क्यों हम मिर्च खाएं तो हमारा भी चेहरा चमके? ज्यादा जिंक का लेता कैल्शियम, ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम, तो ये सारी चीजों की भी जरूरत होती है। इसके अलावा लाइफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, देखो इतना ही नहीं है कि सॉइल एयर एंड वाटर हम कह दें, लाइट चाहिए, लाइट कैसी है वो भी तो है ना, एबायोटिक, टेम्परेचर कैसा है, पर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में कैसी, ये सब मिलके एबायोटिक कंपोनेंट है। लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर आल्सो इंक्लूडेड इन, आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट, बायोटिक कंपोनेंट दो तरीके के हैं, ये एबायोटिक है, दिस इज बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन सी तीन चीजें यश आ जाएंगी? एनिमल्स, प्लांट्स, डीकंपोजर्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड डीकंपोजर्स आर इंक्लूडेड इन इट, ठीक है, आर इंक्लूडेड इन इट, विच हैव इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कोई लेना देना नहीं है कि आपके बगल जो कुत्ता घूम रहा है, आप जो खाना छोड़ोगे वो खाएगा, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है ना, सो विच हैव इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। बैक्टीरिया के साथ भी हमारा इंटरडिपेंडेंट है, विच हैव इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप, ऐसा होता है। नाउ बायोटिक कम्युनिटी जो भी होती है उसमें तीन चीजें होती हैं, तो जो बायोटिक कंपोनेंट है उसके थ्री डिवीजन क्या है? ये ठीक कह रहे हैं, कि मतलब अब इसके भी, अब हम इसका एक अलग से फ्लो चार्ट बनाएंगे, अभी जैसे बना रहे हैं तो पहले टाइप्स लिखेंगे, फिर कंपोनेंट लिखेंगे, फिर कंपोनेंट के कंपोनेंट लिखेंगे, तो पूरा आपके सामने आ जाएगा। नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वही ये तीन इसमें से होंगे, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये कंज्यूमर हो गया, और ये डिकम्पोजर सेप्रोफाइट हो गए, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, सफाई कर्मचारी। सब चीजें प्रांजल से मत पूछो, अपना भी कुछ दिन आ जाओ। आधा तो बना के ही खर्च करवा देते। चलो
Now, biotic community, biotic component. कम्युनिटी भी कह सकते हैं क्योंकि सब हम मिलजुल के रहते हैं तो कम्युनिटी नहीं हो गई, सभी लोग तो मिलजुल के रहते हैं. सो इंक्लूड्स थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. इंक्लूड थ्री टाइप्स. पहला क्या है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर और तीसरा दैट इज अलग अलग तरीके से किया गया है प्रोड्यूसर कंज्यूमर. अब जो प्रोड्यूसर है कंज्यूमर है कंज्यूमर में और फिर इसके बाद तीसरा क्या है डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स को ऐसे ही लिखा है इन्हें सक्रोफाइट भी कहते हैं रहते हैं ठीक है तो उनको सैप्रोफाइट भी कहते हैं. बाकी कंज्यूमर के कौन से तीन है दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर सब टर्शियरी और इनको क्या कहते हैं सब प्राइमरी कंज्यूमर. हां जो पौधों को खाते हैं हर भी वो ये ठीक कर और प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है दैट इज कार्निवोर मांसाहारी और टर्शरी कंज्यूमर जो उनको खाए जो मांस खाते हो ऐसा कोई हो जो मतलब जैसे कि टॉप कार्निवोर. तो टॉप कार्निवोर हो गए है ना. जैसे मान लीजिए कि चूहे ने दाना खाया तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है इसने कुछ खा लिया इसने अनाज खाए कि नहीं तो ये प्रोड्यूसर हो गया और इसने क्या किया इसने अनाज खा लिया. तो अब इसको किसने खा लिया स्नेक ने खा लिया और स्नेक को किसने खा लिया सर ईगल ये पिकॉक ने खा लिया ठीक है. तो ये इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या हर्बीवोर तो है लेकिन मेन क्वेश्चन है चूहा है फिर ये क्या है कार्निवोर और ये क्या बताइए टॉप कार्निवोर. तो इस तरीके से ये हमारी एक फूड चेन हो गई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल सेकंड ट्रॉपिक लेवल थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं आगे चलने पर तो सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर इसको कहते हैं उत्पादक इसको कहते हैं उपभोक्ता और कुछ ऐसे भी होते हैं इसे टॉप कार्निवोर कहें. और जो चौथी चीज है ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहे तो अगर अनाज मिले अनाज खा लें और हम जैसे हैं ओमनीवोर सर्वग्राही तो मीट मिले मीट खा लें तो उसे क्या कहते हैं डॉग भी ऐसा करते हैं बिल्ली भी ऐसा करती है दूध मलाई भी खाती है तो दैट इज ओमनीवोर. दे ईट ये क्या करते हैं ये दे ईट प्रोड्यूसर्स इनको भी खाते हैं ठीक है. प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. जरा इस पे देखो ईगल इसमें आ जाएगा क्या टॉप कार्निवोर में ईगल आ जाएगा और लायन ईगल और बताओ लायन कैसे आएगा तो लायन नहीं आएगा लायन जैसे इसको खा गया तो आ गया ना लायन आ गया
ये चीज होगी। तो इस तरीके से है, फिर पिकऑफ भी आ जाएगा ऐसा हो गया। इसमें कौन आएगा, मैन डॉग कैट इस तरीके से। तो अब हमारे पास ये कंज्यूमर हो गया। और डिकम्पोजर्स के बारे में ज्यादा लिखना नहीं है, डिकम्पोजर्स हमें मालूम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, नाउ इस फ्लोचार्ट के ऊपर हम चलें। तो आपको ये पता चल गया बायोटिक कंपोनेंट दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट के अंदर ये है, तीन कौन कौन से हो गए, प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजिशन। तो ये चीज हो गया डिकम्पोजर्स। फिर भी आप ऐसा बना सकते हैं कि जो भी हमारा ये इकोसिस्टम है उसके दो कंपोनेंट है, एक बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक के कितने कंपोनेंट हैं, तो बायोटिक के प्रोड्यूसर और फिर उसके बाद कंज्यूमर और उसके बाद डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अच्छा, प्रोड्यूसर तो प्लांट हो गए और कंज्यूमर में फिर आपने क्या बताया, कंज्यूमर में अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है जो सीधा खाए, ठीक है, तो सीधा अगर खा रहा है तो डियर हो गया। फिर डियर को जो खा जाए उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है, लाइन हो जाएगा। और कभी कभी ये चेन आगे भी बढ़ जाती है, अब इसके लाइन को कोई नहीं खाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा जैसे रैट है, रैट को किसने खाया, स्नेक। और कोई चेन जो है थर्ड ट्रॉपिक लेवल तक जाती है और कोई फोर्थ तक भी जा सकती है। और फिर स्नेक को किसने खाया, पीकॉक भी खा सकता है, ईगल भी खा सकता है, खा सकता है कि नहीं। ये जो चेन है ये हर्बीवोर, कार्निवोर और टॉप कार्निवोर तक जा रही है, ठीक है। तो हर्बीवोर, कार्निवोर एंड टॉप कार्नी, ये चीज है। और ए बाकी डिकम्पोजर को सैक्रिफाइस कहते हैं, ये बारे के बारे में आप लोगों को पता है। नाउ चलो टर्शियरी कंज्यूमर भी तो, और इन सब कंज्यूमर्स में एक और लिख लो, दैट इज ऑमनी बोर, ये चीज है। ओके, दीज आर इनकी बात होती है। अब आगे हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखें। फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, सो ये किस तरीके से करता है, दैट इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सफिशियंट और इनडिपेंडेंट यूनिट इन नेचर। इट इज सेल्फ सफिशियंट एंड इनडिपेंडेंट यूनिट इन नेचर वेयर एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रे टू प्रीडेटर, शिकार से शिकारी तक जाती है। वेयर एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रे टू प्रीडेटर,
That is lower trophic level to higher trophic level. Various level at which energy get transferred is known as trophic level. अलग अलग स्तरों पर जहां पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? Trophic level. So from lower trophic level to higher trophic level. ठीक है, इट हैपेंस बाय 10% लॉ, यानी सन का 1% सन का 1% है, बाकी 10% लॉ के हिसाब से चलता है. ठीक है, तो इट वर्क्स ऑन द एनर्जी फ्लो. लेट अस सी प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर हमारा इकोसिस्टम में बायोटिक का फर्स्ट कंपोनेंट है. प्रोड्यूसर से देखें, ए बायोटिक में कुछ देखने लायक नहीं है. हवा पानी में क्या देखोगे? प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? दीज कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड्स. दीज आर ऑटोट्रोप्स विच can prepare their own food from simple inorganic material. For example, CO2 से, water से और micronutrients, जो कुछ nutrients होते हैं ना, जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, फास्फोरस और इन सब ये लेते हैं, तो ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं? सॉल्ट्स भी कह सकते हो. सॉल्ट ही नहीं चाहिए जो सॉइल से लेते हैं ना, एनपी सॉल्ट्स. आपको मालूम है जैसे अगर NaCl सॉल्ट है तो Na प्लस क्या हुआ? आयन. रेडिकल. मतलब जैसे रेडिकल से मिलके सॉल्ट बनते हैं. रेडिकल क्या? रेडिकल का मतलब है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके लैब में जब एक्सपेरिमेंट आएगा तो कहेंगे दो बेसिक रेडिकल और तीन एसिडिक रेडिकल निकालो. तो जो ये चीज है, जैसे मान लो Na2CO3 है, तो इसमें बेसिक रेडिकल कौन होगा? मेटल का टाइम. और CO3 कौन सा होगा? एसिडिक रेडिकल. सर रेडिकल होता क्या है? रेडिकल का मतलब है द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्ट्स आर नोन एज रेडिकल्स. समझ आई बात? तो जो मेटल के आयंस होंगे उन्हें क्या कहोगे? क्या बेसिक रेडिकल? भाई मेटल हम लोग तो जानते हैं, अभी आपको ट्रेंड पढ़ाया पीरियोडिसिटी. अच्छा, तो ये क्या कहलाएगा बताओ? बेसिक रेडिकल. तो इस तरीके से सॉल्ट्स में लिख रहा हूं, अदरवाइज दे सीप इट By as a radical. वो salt पूरा थोड़ी ना लेते हैं. Yes, radical के फॉर्म में आयंस लेते हैं जमीन से. ये चीज होती है. अब देखो, ठीक है, इसके अलावा producers trap the solar energy. Producers trap solar energy and prepare food in presence of water and CO2 with help of chlorophyll. जो ये लिखाया है हमने इतना तो आप कभी भी ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, so the examples are green plants, blue green algae. इनके एग्जाम्पल दो हैं. जो नील हरित शैवाल है, पानी पे उगने वाले काई होती है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे, वो भी तो प्रोड्यूसर है. और सबसे ज्यादा तो जापानी लोग उसी की टिकिया बना बना क्योंकि वो कहते हैं खाने का समय क्यों बर्बाद करें 15 मिनट, उससे अच्छा उसकी टेबलेट खाओ, टेबलेट खाओ 4 घंटे रहो. तो ये तो इस तरीके से एग्जाम्पल है. ठीक है, that is plants, green plants. वैसे ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे भी पानी में उगते हैं बड़े बड़े, लेकिन
वो उनमें ब्रोमीन ज्यादा है कुछ और है, लेकिन वो क्या है कि उनमें क्लोरोफिल नहीं है। तो जमीन के अंदर बहुत डीप जहाँ पर पानी सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, तो वो अलग अलग है, ठीक है कि नहीं। या कहीं ब्रोमीन ज्यादा है तो ब्राउन एल्गे है, उसको हम आगे देख लेंगे अगली क्लास में। बट वो चीज उसमें क्लोरोफिल नहीं थी तभी तो ग्रीन नहीं बना पाया। क्लोरोफिल किसकी वजह से होता है सर? ये सही बता, मैग्नीशियम की वजह से। हर चीज के लिए एक एग्जांपल है ना, जैसे मैं कहूँ कि हीमोग्लोबिन रेड क्यों है तो किसकी वजह से? आयरन की वजह से है ना, कोई ना कोई मेटल इन्वॉल्व है इसमें, ये सही बताते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, सो दे डू सो, दे प्रिपेयर फूड by the process of photosynthesis. However, they consume only 10% of their prepared food and leave 90% for the next higher level of food chain. So, they prepare food by photosynthesis. Photosynthesis का etymology क्या है? मतलब शब्द का मीनिंग, दैट इज फोटो लाइट, लाइट की उपस्थिति में वो खाना बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण, ये चीज है। तो दे प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस है, मान लीजिए केमिकल की प्रेजेंस में कोई कुछ बनाए खाना, तो जुगनू है वो कीमोसिंथेसिस करता है, जुगनू नहीं होता है रात खाता है, तो वो अगर केमिकल की वजह से कुछ फिश भी कीमोसिंथेसिस करती है, कुछ फिश है वो कीमोल्यूमिनेसेंस भी करती है, प्रकाश छोड़ती है जिससे दूसरी मछलियां ना खा सकें। अगर कोई केमिकल से खाना बना ले तो उसको कीमोसिंथेसिस कहते हैं। मान लीजिए जैसे ईस्ट है, वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं से शुगर से अगर वो कुछ खाना बना ले, एक्सट्रैक्ट कर ले, तो हम कहेंगे भाई कीमोसिंथेसिस कर रहा है, किसी भी तरीके से केमिकल से बनाया। अगर उसे लाइट की जरूरत ना पड़े, केमिकल से खाना बना ले, तो कीमोसिंथेसिस। अब देखो फूड सिंथेसिस, दे कंज्यूम, उन्हें लोकोमोशन तो करना नहीं होता है, दे कंज्यूम ओनली 10% ऑफ देयर प्रिपेयर्ड फूड एंड 90% इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन। बायोमास किसे कहते हैं बोलो? टोटल मास, आप बोलिए, बोलिए बोलो सीजन क्या बोल रहे हाँ ये बात सही है कि मान लीजिए वो 90% ट्रांसफर कर देते हैं। मान लीजिए आपने 100 ग्राम सेब खाया तो आपकी बॉडी में कितना खून बढ़ेगा बताइए? 2-4 ग्राम नहीं बढ़ेगा, 10 ग्राम बढ़ेगा। दिस इज 10% लॉ। 100 ग्राम सेब खाओगे तो 10 ग्राम आपकी बॉडी का वजन या खून बढ़ेगा। बात समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन सारी पृथ्वी के लोगों को तौल लो तो ये कहेंगे ह्यूमन बायोमास, और अगर सारे पूरे अर्थ के टोटल पेड़ों को तौल लो तो उनका जितना वजन है वो कहेंगे कि प्रोड्यूसर्स बायोमास। कैटल का बायोमास होता है, कैटल के बायोमास से जो है फ्लश बनता है, मीट का एक्सपोर्ट होता है, तो ये पूछा जाता है कि कितना बायोमास है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि बायोमास कितना है, तो किसी भी चीज़ का बायोमास है तो जितने प्लांट का बायोमास है उसका ठीक 10% हमारे हर्बीवोर का बायोमास है, तौल लेना। आपको जाके कैलकुलेट नहीं करना है। क्या? सारे पेड़ के तने पत्तियां तौल लो तराजू पे रख लो और जितना आए समझ लेना। अगर मान लीजिए 50,000 टन आ जाए तो मानना 5,000 टन, 10% मानना से 50,000 टन आया था तो 10 कम कर दो, 5,000। तो किसका होगा? वो इनका होगा। मान लो आप सीधा समझो, अगर सिर्फ 500 किलो प्लांट है पूरी दुनिया में, 500 किलो प्लांट, तो 50 किलो कौन होंगे?
हिरन, जो जो लोग अनाज खा रहे हैं वो सिर्फ 50 किलो होंगे, क्योंकि उनसे जो ट्रांसफर होगा एनर्जी का वो 10% ही होगा, तो उनका बायोमास कितना होगा? 10% दैट इज 50 किलो होगा, 500 किलो किसका मैंने माना? प्लांट्स का। तो 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है अगले में, ठीक है, बाकी ह्यूमन एक्सक्रीटा परस्पिरेशन सब में निकल जाती है। तो 50 किलो क्या हुए? हर्बीवोर। अब हर्बीवोर को कौन खाएंगे? हिरन को कौन खाएगा? गाय को कौन खाएगा? ठीक है कि नहीं? तो गाय को कौन खाएगा बताओ? गाय को लाइन खाएगा। तो इस तरीके से वो 50 किलो का अब कितना हुआ? 5 kg। अब इससे ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि जो लाइन को खाने वाला होगा वो हफ्ते भर मर जाएगा, उसे लाइन ही नहीं मिलेंगे। क्या वो शहर शहर लाइन ढूंढे? तो वो एनर्जी इतना ऊंचे तक नहीं जा पाते था। मतलब जो ट्रॉफिक लेवल है, डिफरेंट लेवल एट विच एनर्जी ट्रांसफर, इट इज नॉट गो सच हायर। और किसी भी बड़े एरिया में, अगर मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि 100 हेक्टेयर का जंगल है, तो वो एक लाइन को ही सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि चेजिंग में कितनी एनर्जी गई और उससे खाने से कितनी मिली। मान लो चेजिंग में ज्यादा लूज कर रहा है, मिला एक हिरन, तो मर ही जाएगा। सर ये सब कैलकुलेट करते हैं? हाँ, कैलकुलेट करना पड़ता है कि मतलब कितने बड़े एरिया में कितने लाइन रह सकते हैं, उसे शिकार में उतनी मेहनत ना लगे, जब उसको शिकार मिले उससे ज्यादा उसे एनर्जी आ जाए, ये तो चेजिंग ही करता रहेगा क्या? बोलो। तो इस तरीके से ये भी बात हमें देखनी पड़ती है। तो इस तरीके से बायोमास आगे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कितना रह जाएगा? 10%। क्या ऐसा ही एनर्जी पिरामिड आपकी बुक के अगले पेज पे बना हुआ है ट्रॉपिक लेवल का, जिसमें भी ये दिखाया गया कि वो ठीक 10% है कि नहीं? तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि दैट इज प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर देख लिया। The green plants are called producer of living world. It is autotrophic, and these autotrophs होते हैं, so it is the lower level, lowest traffic level of food chain. ठीक है कि नहीं? So food chain का ये पहला traffic level होता। अब देखें next is consumer. सर संडे को भी सर एक ही रखिएगा सर, सुबह वाला टेस्ट ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है आपका, आपके पास समय है, आराम आराम से कर लेंगे। अगर कल मिल जाएंगे क्या सर? कल क्या मिलेंगे? टेस्ट पेपर। तो सर उसमें पूछ रहा हूँ वो मॉडल्स कब मिलेंगे एलिमेंट्स के? क्या कुछ नहीं, मॉडल्स के लिए डिब्बे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, समझिए सर। इसमें रखने हैं, डिब्बे का प्रॉब्लम है, डिब्बे का इंतजाम होते ही नहीं है। डिब्बे हैं बाजार में, लेकिन एक डिब्बा 40 रुपए का होता है, उसी में 800 रुपए बच जाए। देखते हैं कैसे किया जा सकता है। अब देखो कि कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर, दोज ऑर्गेनिजम्स विच
depend for their energy need on plants directly or indirectly? On plants directly or indirectly. Because are called consumers. भाई शेर हिरन को क्यों कहता है कि जल्दी जल्दी घास खाओ और थोड़ी खाओ इससे वो मोटा हो जाए फिर भूल से खा ले ऐसे कहता है कि नहीं। तो इस तरीके से जो डियर है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है ग्रास पे, लेकिन लायन डियर पे डिपेंडेंट है जो ग्रास पे डिपेंडेंट है। शेन है सर, तो अगर डियर कम खाएगा तो लायन उसको खाएगा कि बच जाएगा? हाँ है ना। सो इस तरीके से होता है। So all the animals are consumers. So इस तरीके से जो division किया गया ना five kingdom का, तो उसमें animal वही है जो consumer, इसी basis पे division है। All animals are consumers. जो खाना ना बना सके, उनमें cell wall ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? Consumer. Multicellular होते हैं, cell wall नहीं होती, खाना नहीं बना पाते हैं, तो इन सबको कहते हैं। अब देखिए, इफ एनिमल ईट्स ग्रास और ग्रीन प्लांट्स वी से दैट इट गेट्स फूड डायरेक्टली, और इफ मीट खाता है तो इनडायरेक्टली होगा, ये बात तो हमें मालूम ही है। तो इस तरीके से कंज्यूमर के फर्दर पार्ट्स हैं, कंज्यूमर के पार्ट्स। सो इट इज सब डिवाइडेड, तीन में करेंगे, इनटू हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। हर्बीवोर, हर्बीवोर मींस कि दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, विच ईट ओनली प्लांट्स, दीज आर नोन एज हर्बीवोर। इन सब के बारे में हम जानते हैं और ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं? एंड दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल, आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। एग्जाम्पल काउ हो गया। नेक्स्ट इज कार्निवोर। सो दे डू नॉट ईट प्लांट एंड ईट एनिमल्स हु ईट प्लांट, तो वो क्या करते हैं? दोज एनिमल हु ईट अदर एनिमल्स, जो जानवर दूसरे जानवर को खाए वो क्या कहलाएगा? कार्निवोर। Those animals which eat, who eat other animals, these are known as carnivore. इसमें क्या है कि लायन, टाइगर, ये सभी चीजें हम जानते हैं, लायन, टाइगर और ये सारे हो गए। अब देखिए, दीज आर ऑल्सो नोन एज, दीज आर ऑल्सो नोन एज कार्निवोरस एनिमल्स। इसमें क्या होता है, इनकी 5 मीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल होती है, बस ये प्रोटीन खाए, प्रोटीन खा के ये निकल सकते हैं, जानवर का प्रोटीन, और उसी को पचा सकते हैं। अगर इनको घास खिला दो, सेलुलोज खिला दो, पालक, तो इनको एनर्जी नहीं मिलेगी, खा के भी मर जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जबकि गाय में 50-50 मीटर लंबी होती है, और हम लोग पका के खाते हैं, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल और छोटी होती चली गई है। खाना हम लोगों ने पकाया ना, वो तो सीधा सेलुलोज खा रहे हैं, तो हमारी 10 मीटर की रह गई है, 9.6 मीटर की।
जबकि गाय में 50 मीटर की, वो कपड़ा भी खाएगी, रुई भी खाएगी, किताब भी खाएगी तो पचा ले जाएगी, लकड़ी भी खाएगी। सर वो चबाती रहती है ना, मतलब। हाँ वो तो ठीक है कि रूमिनेंट्स होते हैं वो भर लेते हैं, फिर वहां से निकाल के बाद में चबाते हैं, क्योंकि उतना समय नहीं है ना उनके पास। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत है, अगर आपने नहीं खाया तो दूसरा खा लेगा, तो आपका सर्वाइवल कैसे होगा? आप अच्छा बात, अकेले हो तो आराम से खाओ पूरा दिन, लेकिन जो अभी क्या है कि नाद में तो थोड़ी देर रख के हटा दिया जाता है जितनी देर में दूध दिया जाता है, ऐसे कि खाना तुम्हें जल्दी जल्दी अंदर डालना है, नहीं तो इस तरीके से बाद में जुगाली करते हैं। सो इस चीज को कहते हैं द लार्ज कार्निवोर फीड अपॉन स्मॉल कार्निवोर, जो कार्निवोर कार्निवोर को खा जाए। कार्निवोर वे होते हैं कैनिबल्स, है ना? ये बात सही है। लार्ज कार्निवोर कैनिबल किसे कहते हैं सर? जो आदमी को खा जाते हैं, अपनी स्पीशीज को खाते हैं सर, जो सर आदमी को खा जाते हैं। नहीं सर, जो अपनी स्पीशीज को खाते हैं उनको कैनिबल कहते हैं। लार्ज कार्निवोर ईट स्मॉल कार्निवोर, इसी में सीजन आज दिखाई नहीं दे रहा स्मॉल कार्निवोर, ठीक है? तो इस वजह से इनको क्या कहेंगे? तो अभी हमारा जो कंज्यूमर है हर्बीवोर को क्या कहेंगे? क्या ये प्राइमरी कंज्यूमर है? ये सेकेंडरी कंज्यूमर है? और लार्ज कार्निवोर क्या है? टर्शियरी, ऐसा ही बना। बोलो गोरिल्ला और ज्यादा तो हमें नहीं पता, गोरा तो होता है लेकिन ये सर किसने बोला? सीजन। हाँ क्या खाता है वो गोरिल्ला? आदमी को खा लेगा क्या? सर इतना ही दिमाग है सर उसमें। गोरिल्ला इज हर्बीवोर और कार्निवोर। सर हर्बीवोर है ना, वेजिटेरियन डाइट है ये, हर्बीवोर है, ठीक है? क्या पता ये कैसे है, लेकिन ये है गोरिल्ला हर्बीवोर है। सो लार्ज कार्निवोर, अब जरा देखो इधर यहाँ पर देखिए, हर्बीवोर को क्या कहेंगे? क्या प्राइमरी कंज्यूमर? ये देख लो, और ये जो स्मॉल कार्निवोर है ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये टर्शियरी कंज्यूमर। जैसे हमने बताया कि सीड्स हो गए, सीड्स को खाएगा रैट, रैट को खाएगा स्नेक, ठीक है? स्नेक को कौन खा लेगा? पीकॉक। जैसे ऐसे समझो, सीड है, सीड को खाएगा इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग है इंसेक्ट को, फ्रॉग को क्या कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। या ईगल भी खा सकता है, तो कुछ चेंज है, फाइव ट्रॉपिक लेवल तक जाती है। तो यहां पर इंसेक्ट क्या हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी, और ये टर्शरी कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर लिखो, पहले वाले को कंज्यूमर ना लिखना, वो थोड़ी कुछ कंज्यूम कर रहा है। और ये क्या है बताइए? ये फर्क कह रहे हैं क्वार्टरनरी कंज्यूमर। सर जो प्रोड्यूसर है वो सन की एनर्जी कंज्यूम तो करता है, तो उसे भी कंज्यूमर, जो कंज्यूम करे उसे कंज्यूमर ही लिख दो। समझ में आई बात ना? तो इस तरीके से ये यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइव ट्रॉपिक लेवल, ये लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल है। तो
ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? दैट इज द लेवल एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज, यही है। और ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल तक भी जानी। अब थर्ड है कि ह्यूमन कैन बी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर। ह्यूमन कुछ भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ सब्जी खाते हैं तो आप हर्बीवोर हैं। अगर आपको मीट अच्छी लगती है और मीट पर ही जिंदा रहते हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर है। और अगर आप सब्जी और मीट दोनों खाते हैं तो ओमनी टर्शरी भी हो सकता है। टर्शरी का मतलब है हम उसे खाएं जो दूसरे को खाए, तो टर्शरी होगा कि नहीं। मान लीजिए हमने किसी चीज को खा लिया, इसको खा लिया, फ्रॉग को खा लिया, तो हम टर्शरी हो गए कि नहीं। हमने उसको खा लिया, फ्रॉग को खा लिया, स्नेक खा लेता है चाइना तो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी और ये टर्शरी हो गए कि नहीं, ये चीज हो गई। तो ये रीजन है। वहां पर क्या होता है कि चाइना में 2/3 जमीन बैरन है, वो प्लेट्यू है, वहां खाना नहीं उगता है, 1/3 पर ही होता है। अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनको खाने की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या करना पड़ता है, जिस तरीके के जानवर मिलते हैं वो सब खा लेते हैं। सर सर इसमें एरो उल्टे साइड नहीं होगा, मतलब लग रहा स्नेक पे कॉक को खा रहे हैं। स्नेक नहीं खाता है पिकॉक। तो एरो ऐसे वो एनर्जी के लिए अब देखो ओमनीवोर ओमनीवोर का मतलब क्या होता है कि दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको ओमनीवोर कहेंगे। नाउ मैन डॉग क्रो स्पैरो बियर मैना एंट मैन डॉग क्रो डक मैना स्पैरो गौरैया भी ऐसा करती होगी बियर एंड ये सब ओके। नाउ देयर इज अदर क्लास ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स विच आर वेरी टाइनी नेचर एंड यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट देम। दीज आर नोन एज फाइटोप्लैंकटन एंड ज़ूप्लैंकटन। पानी में हल्के हल्के ऊपर दिख रहे हैं, उसमें लार्वा भी है जो मेढक का जाइगोट है, और साथ ही साथ उन्हीं में वो लार्वा बन जाएगा, और उसी में कुछ ना कुछ ग्रीन एल्गे भी है, ठीक है। सो देयर आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लोटिंग ऑन वॉटर, सम आर प्रोड्यूसर्स लाइक एल्गे। तो एल्गे क्या कहलाएंगे? फाइटोप्लैंकटन। वो फाइटोप्लैंकटन कहलाएंगे प्लैंकटन एंड अदर। देखो सीड्स या लार्वा ऐसा भी होगा ना, फिश के सीड्स कहे जाते हैं, फिश तो उसको सीड्स भी कहते हैं। अदर सीड्स एंड लार्वा आर कॉल्ड ज़ूप्लैंकटन। तो जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, अदर आर कंज्यूमर्स, जो वो कंज्यूमर्स हैं कॉल्ड ज़ूप्लैंकटन। तो ये भी फाइटोप्लैंकटन 50% एनर्जी नीड पूरी करते हैं जो सी है या कहीं पर, इनको छोटा ना समझो। 50% नीड है ना, 50% एनर्जी नीड्स। जैसे और है प्लांट्स हैं तो शैवाल जो एल्गे है ना,
ग्रीन एल्गे ये भी बहुत बड़ा काम करते हैं। सो द फ्रीली फ्लोटिंग प्रोटोजोआ क्या होगा बताओ, प्रोटोजोआ क्या होगा, प्रोटोजोआ यानी अमीबा किस में आएगा, अमीबा पैरामीशियम ये किस में आएगा बताओ, फाइटोप्लैंकटन की जूप्लैंकटन, जूप्लैंकटन क्योंकि अमीबा इन सब में लाइफ होती है, ये खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो प्रोटोजोआ का मीनिंग नहीं मालूम है क्या आप लोगों को, क्या सर प्रोटोजोआ, जो एनिमल के पहले वाले एनिमल है प्रोटोजोआ, जुआ का मतलब एनिमल होता है क्या, जू किसके लिए होता है, एनिमल के लिए, जुआ से तो जू जू से बना है ना, और प्रोटो का मतलब दैट इज प्रीडेटर्स ऑफ एनिमल, तो हम लोगों के जो पूर्वज है वो अमीबा ही पैरामीशियम ही तो है, तो इस तरीके से प्रोटो आना प्री प्लस जुआ, तो इसलिए प्रोटो जुआ लाइक अमीबा पैरा मीशियम यूक्लिना क्लेमाइडोमोनास ये सब देखे हैं कि नहीं, सब दिखाए हैं, देखे सब दिखा चुके हैं, क्लेमाइडोमोनास आर पानी में ये पाए जाते हैं, सो दीज आर ज़ूप्लैंकटन, फिर इन्हें कौन खाता होगा, फिश खा जाती होंगे, ठीक है, which are eaten by ये fish, small fish, eaten by small sir, हाँ sir आपकी का सेटर, चलो ठीक है, thank you sir, thank you sir, sir sir exam, तो बस सुबह का शुरू, सुबह नहीं वही time, शाम को।